गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, वेलकम डेपोडेंस ऑनलाइन क्लासेज। माई सेल्फ रजनीकांत चतुर्वेदी, योर अवेकस टीचर। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन पॉजिटिव। उस आपको एक स्टोरी के माध्यम से कॉम्बिनेशन पॉजिटिव समझाने जा रहा हूँ। देखिए, आपके सामने एक पहाड़ बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, मंदिर में किसी देवी या देवता का है, ऊपर झंडा लगा हुआ है। तो देव मंदिर में दर्शन करने के लिए तीन लोग जा रहे हैं, पापा, मम्मी और फ्रेंड। ये हमारे नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी में पापा हैं, मम्मी हैं और हमारे पास पीछे की तरफ फोर सीट हैं, जिसमें केवल चार आदमी बैठ सकते हैं, ओनली फोर फ्रेंड बैठ सकते हैं। ये हमारी गाड़ी ऊपर पहाड़ की ओर जाएगी, तो पहाड़ पर जाने का मतलब होता प्लस, प्लस का मतलब पॉजिटिव। अब हमारे पापा, पापा के पर्स में 10,000। मम्मी बोले, अच्छा आपके पर्स में 10,000 है, तो थोड़े बहुत मेरे भी होने चाहिए। तो मम्मी के पर्स में 5,000, पापा के पर्स में 10,000 और मम्मी के पर्स में 5,000। मीन्स पापा की वैल्यू 10 और मम्मी की वैल्यू 5। जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो हैं 4, 1, 2, 3, 4। जो पीछे की जो सीट है 4, उसमें 4 फ्रेंड बैठ सकते हैं। जब हम अबेकस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पापा का मिलेंगे बच्चों 10th रोड पर, मम्मी का मिलेंगे हमको 1st रोड पर, और हमारे जो फ्रेंड हैं वो हमको मिलेंगे 1st रोड पर नीचे की तरफ। आपके जीवन में बच्चों तीन लोग बहुत ज़रूरी हैं, मम्मी, पापा और फ्रेंड्स। आप मम्मी पापा के बारे में तो जानते हैं कि, मगर मम्मी पापा आपके जीवन में कितने उपयोगी हैं, और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी आपके जीवन में बहुत उपयोगी हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप मम्मी पापा से नहीं कह कहने में संकोच करते हो, लेकिन अपने फ्रेंडों से बात आराम से कह देते हो और मन की बात बता देते हो, इसलिए आपके जीवन में फ्रेंड्स भी ज़रूरी हैं। हम देखते हैं, अगर संख्या 6 आ गई तो 6 के अंदर क्या होगा बच्चों? पहले पापा ऊपर जाएंगे पहाड़ पर, फिर मम्मी ऊपर जाएंगी, मम्मी की वैल्यू कितनी है 5, और उसके बाद 6 में कितने फ्रेंड जाएगा 1। अगर संख्या 6 मिली और कॉम्बिनेशन लगेगा तो उसमें 1 फ्रेंड जाएगा। अगर संख्या 7 मिली तो 7 में कौन जाएगा? सबसे पहले पापा ऊपर जाएंगे, फिर मम्मी ऊपर जाएंगी और फिर 7 में जाएंगे 2 फ्रेंड। अगर संख्या 8 मिली और कॉम्बिनेशन लगा, कॉम्बिनेशन कब लगता है? जब हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, स्मॉल फ्रेंड से नहीं होता, बिग फ्रेंड से नहीं होता, जब हम बच्चों लगाते हैं कॉम्बिनेशन, लास्ट में हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अगर संख्या 9 मिली तो 9 के अंदर कितने फ्रेंड जाएंगे 4। याद रखो, 6 में 1, 7 में 2, 8 में 3 और 9 में 4, ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है, 6 में 1, 7 में 2, 8 में 3 और 9 में 4। घर के अंदर कुछ काम ऐसा होता है जो आपके पापा से भी नहीं हो रहा, मम्मी से भी नहीं हो रहा, ताऊजी से भी नहीं हो रहा, तो उस काम के लिए आपके घर के सबसे बड़े मुखिया दादाजी, उस काम को दादाजी को बोला जाता है कि दादाजी ये काम आपको करना है, और उस काम को दादाजी आसानी से कर देते हैं क्योंकि वो काम उनके लायक होता है। इसी प्रकार हमारे लेवल वन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। जो क्वेश्चन स्मॉल फ्रेंड से नहीं होगा, बिग फ्रेंड से नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, वो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होगा कॉम्बिनेशन से। तो आपको कॉम्बिनेशन की स्टोरी सुनने में मज़ा आया होगा, और जब आप कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अबेकस पर प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ाना 1 पेज प्रैक्टिस अबेकस से करें आप, और डेली आप अपनी बड़ी सिस्टर, भाई या बहन या मम्मी पापा से आप मेंटली क्वेश्चन के लिए बोलें, वो आपसे मेंटली पूछेंगे और आप उनको आंसर देंगे। इस प्रकार आपके धीरे धीरे बच्चों प्रैक्टिस होगी और आप अच्छे अबेकस में बन सकते हैं। धन्यवाद।